हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक। तो गाइज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू वायरल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। गाइज आप सभी को पता है कि ये सॉन्ग अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। जो कोई भी सॉन्ग से वीडियो बना के अपलोड कर रहा है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो गाइज इसलिए मैं आ गया हूँ इस सॉन्ग के ऊपर एक आसान सा वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जो कि आपने प्रीव्यू पर देख लिया होगा। गाइज इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने का भी अपने पसंद का फोटो से प्रीव्यू को जैसा एक वीडियो बना पाओगे। तो गाइस जरूर वीडियो को पूरा देख लेना, और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस प्रीव्यू का जो सब वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। देन ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। देन आप जिसका फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उसका 15 फोटोज के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और गाइस यहाँ पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आप लोग बहुत ही आसान से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए फटाफट 15 फोटोज के पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस सारे फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन आप लोग ऊपर में ओरिजिनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन से थोड़ा सा खिसका के 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके डन कर लेना है। देन एकदम लास्ट पे जाना है। लास्ट पे नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है। देन एकदम फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। देन यहाँ पे आप लोग को एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप इसको ऐड करने के लिए आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में चूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 14 बिटमार्क को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फास्ट टाइमर 3.24 सेकंड पर है, तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फास्ट टाइमर के ऊपर चले जाना। तो गाइस फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो बिटमार्क ऐड हो जाएगा। फिर से आप लोग को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो इस तरह से आप लोग सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो गाइस सारी बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करना है। तो नीचे फर्स्ट फोटो को पहले क्लिक कर दीजिए। देन इसका जो ड्यूरेशन इसको खींच के फर्स्ट बिटमार्क तक कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ड्यूरेशन नेक्स्ट बिटमार्क तक कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे जितना भी फोटो है आप लोगों को सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो गाइस सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से क्रॉप करने के बाद लास्ट पर जो फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना। देन ऐसे डन करके एकदम फर्स्ट पोजीशन पर चले आना। देन गाइस जब फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाने के बाद आप लोगों को नीचे खिसका के एकदम लास्ट पर जाना है। लास्ट पर आप लोगों को यहाँ पे जूम नेम का एक ऑप्शन देने को मिल जाएगा। इस जूम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ऐसे जूम इन को सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर आ जाना है। फिर से नीचे जूम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जूम इन को सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट जो 7 फोटो है इसके ऊपर इस तरह से जूम इन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट 7 फोटो के ऊपर यहां पे जूम इन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को लगाना है। तो फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाइए। देन फर्स्ट फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर आ जाइए। देन फोटो को खींच करके एकदम फर्स्ट पे ले आइए। नीचे आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट 7 फोटो के ऊपर आप लोगों को एक्सपेंड इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे थोड़ा सा ढूंढ के एक्सपेंड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसका ड्यूरेशन खींच के ये जितना दूर हो सके इसको कर लेना है। देन यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फोटो के ऊपर आ जाओगे। अब नेक्स्ट फोटो के ऊपर आप लोगों को फिर से एक्सपेंड को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट 7 फोटो के ऊपर इस तरह से एक्सपेंड इफेक्ट को सिलेक्ट करते रहना है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है। नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाकर एक्सपेंड को सिलेक्ट करना है, इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करना है। तो इस तरह से 7 फोटो के ऊपर मैं एक्सपेंड फिर को सिलेक्ट कर लेता हूं।
तो फर्स्ट 7 फोटो के ऊपर एक्सपेंड फिल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है और 8th नंबर पे जो फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जीटीएल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जीटीएल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका ड्यूरेशन खींच के सेम प्रोसेस इसको बढ़ा लेते हैं। फिर से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है। अब नेक्स्ट में जो फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जूम इन को सिलेक्ट करना है। तो देन फिर से यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है, फिर से जीटीएल को सिलेक्ट करना है, फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है, फिर से जूम इन को सिलेक्ट करना है। तो 7 फोटो के बाद में जितना भी फोटो है, एक फोटो के ऊपर जीटीएल और नेक्स्ट फोटो के ऊपर जूम इन, इस तरह से यहाँ पे जितना भी फोटो है इन दो इफेक्ट को इस तरह से यहाँ से ऐड कर लीजिए। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो सारे फोटोज़ के ऊपर इस तरह से इफेक्ट को ऐड करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक चले आइए, देन एकदम फर्स्ट पोजीशन पर चले आइए। देन फर्स्ट फोटो शुरू होने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा, इस छोटा सा प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, देन इधर से व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर जो व्हाइट इफेक्ट का जो ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन को 2.25 कर लीजिए। तो यहाँ पे करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट जो छोटा सा प्लस ऑप्शन है दो फोटो के बीच पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप लोग को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, इस लाइट इफेक्ट का ड्यूरेशन आप लोग को 1 सेकंड कर लेना है, ठीक है। 1 सेकंड करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक चलिए, फिर से नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, नेक्स्ट प्लस ऑप्शन के ऊपर फिर से आप लोग को लाइट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्यूरेशन को 1 कर लेना है, फिर से राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट प्लस ऑप्शन के ऊपर आना है, फिर से लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करके 1 ड्यूरेशन कर लेना है। इस तरह से फर्स्ट पे जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर व्हाइट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 6 प्लस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे मैं कर 6 प्लस ऑप्शन के ऊपर लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट, तो 6 प्लस ऑप्शन के ऊपर लाइट इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जितना भी प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों को व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसका ड्यूरेशन करना है, एकदम कम कर लेना है इसका ड्यूरेशन, ठीक है। तो नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से जितना भी प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर व्हाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से एकदम लास्ट तक कर लेना है, देन एकदम फर्स्ट पोजीशन पर फिर से आ जाना है। देन एट लास्ट आप लोग को है कि लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है, तो लिरिक्स वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए, नीचे वीडियो और फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लीजिए। लिरिक्स वीडियो ऐड हो जाने के बाद नीचे थोड़ा सा खिसका के फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन थोड़ा सा आगे जाकर नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट करके डन कर लेना है। देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।